समय क्या है कि स्वर्ग के अंदर शोक मनाया जा रहा है पृथ्वी के विनाश का, पृथ्वी के लोगों के विनाश का जो है वो शोक मनाया जा रहा है, इस बात को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 15 पद से लेकर 17 पद तक, और इसमें हमने सीखा था कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो इसराइल प्रजा, जो बड़ी भीड़ है, वो जो है जो स्वर्गीय मंदिर में जब जाएगी, जो उसके चुने हुए लोग हैं, वो क्या बनेंगे और किस तरीके से उसकी दिन रात सेवा करते रहेंगे, इसके विषय में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या है, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 1 से 5 तक। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा, मगर यहां पर हम पहले पद की ओर ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका पहला पद, यहां क्या लिखा, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। पहले हम इसको देख लें कि आधे घंटे तक सन्नाटा छाने का मतलब क्या है। ये सन्नाटा जो है आखिर है क्या, पहले हम इस सन्नाटे के बारे में जो है ये जान लें कि आधे घंटे तक जो सन्नाटा छाया हुआ है, इस सन्नाटे का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह 19 अध्याय उसका 3 पद, यहां क्या लिखा हुआ है, तू ये कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा। अब यहां ध्यान कर, परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है कि स्वर्ग के अंदर आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। विपत्तियों के बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में लोगों को बता रखा है, लोगों को दिखा रखा है, और बहुत सी विपत्तियां परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, आ रही हैं, और बहुत सी आ चुकी हैं, मगर इसके बावजूद भी, इन विपत्तियों को देखने के बावजूद भी किसी के जीवन में सन्नाटा नहीं छाया, मगर स्वर्ग के अंदर सन्नाटा छा गया। अब स्वर्ग के अंदर सन्नाटा क्यों छा गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो कोई उस विपत्ति का समाचार सुनेगा वहां सन्नाटा छा जाएगा कि अब क्या होगा, अब हमें कौन बचाएगा। मगर मनुष्यों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतने ढीठ हो चुके हैं, इतने क्या शब्द यूज करें कुछ समझ में नहीं आता, मगर बस इतना ही कहूंगा मैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी भयंकर विपत्तियों के बारे में बता दिया जाए, जबकि परमेश्वर का वचन एक एक भयंकर से भयंकर विपत्तियां जो है वो खुलासा करता है, बताता है अपने वचन से, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यहां स्वर्ग में फर्क पड़ा है कि परमेश्वर जो है अब उन विपत्तियों को जो डालने पर है वहां सन्नाटा छा गया है कि अब ये क्यों सन्नाटा छा गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि परमेश्वर किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, किसी भी पापी की मृत्यु से, हर एक पापी को वो बचाना चाहता है, अंत समय तक बचाना चाहता है, परंतु अब वो समय आ गया है कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, अब वो
जो है वो दया जो है वो अनुग्रह का द्वार जो है वो दया का द्वार जो है वो करुणा का द्वार जो है वो बंद हो चुका है और अब परमेश्वर जो है इसलिए सन्नाटे में आ गया है, स्वर्ग इसलिए सन्नाटे में आ गया है कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाएंगे। अब ये हमेशा हमेशा के लिए जो इस पृथ्वी पर जो पापी लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बचाया नहीं है, वो सब मारे जाएंगे। इसलिए स्वर्ग में जो है वो सन्नाटा छा गया है। और इस बात को हम जरा समझ लें कि समय कितना, एक समय काल भी होता है कि स्वर्ग का समय क्या होता है, कि आधे घंटे का समय क्या है। पहले इस अभी हमने सन्नाटे को समझा, अब हम समय काल को समझे और जब इसको समझेंगे तब हम हमें समझ में आएगा कि ये सन्नाटा कितना लंबा था है, कितना बड़ा है। और ये जो सन्नाटा है, ये जो खामोशी है, ये शोक की खामोशी है। आपने देखा होगा ना बहुत से, जब कोई स्कूलों में या सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में, या जो सरकारी नहीं होते हैं उन ऑफिसों में, या कहीं पर भी आप जाएं, कोई अगर उनके बीच में उनका कोई खत्म हो जाता है तो वो 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, 2 मिनट की खामोशी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो शोक का सन्नाटा होता है। 2 मिनट का जो समय होता है वो शोक का समय होता है कि वो शोक व्यक्त कर रहे होते हैं। और यहां पर आधे घंटे का शोक जो है वो व्यक्त हो रहा है, परंतु ये आधा घंटा है क्या? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां लिखा हुआ है 2 पतरस 3:8 जब आप पढ़ेंगे, हे प्रियो ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहां ध्यान करिए पतरस क्या कह रहा है कि प्रभु के यहां यानी स्वर्ग में जो है एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हम इसको लेकर कैलकुलेशन थोड़ा सा देखेंगे कि एक दिन जब 1000 वर्ष के बराबर है तो समय कितना आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है अर्थात 24 घंटे 1000 वर्ष के बराबर है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो आधा घंटे का समय कितना हुआ? आधा घंटे का समय होता है 20 वर्ष 10 महीने तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब आप भजन संहिता 90 पढ़ेंगे तो वहां लिखा 1000 वर्ष रात के एक पहर के बराबर है। जी हाँ, भजन संहिता 90 उसका 4 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि 1000 वर्ष मानो तेरी दृष्टि में जैसे बीते हुए कल का दिन या रात का एक पहर। रात यानी 24 घंटे में 8 पहर होते हैं और एक पहर में जो है वो 3 घंटे होते हैं। जी हाँ, 3 घंटे होते हैं। और इस तरीके से जो आधे घंटे का समय निकल कर आता है लगभग 166 वर्ष 7 से 8 महीने का समय जो है वो निकल कर आता है, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर एक अब जो समय काल हो गया है सिर्फ आधे घंटे का अर्थात 30 मिनट का ही सन्नाटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपत्ति जो आने वाली है उस विपत्ति के कारण इंसान जो है अपना मन नहीं परिवर्तित करता, अपना मन नहीं फैलाता। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है एक दिन 1 वर्ष के बराबर भी है। जब एक दिन 1 वर्ष के बराबर से आप आंकड़े निकालेंगे तो वहां पर जो उसका समय काल आएगा 7 दिन और 12 घंटे का समय जो आएगा यानी 7.5 दिन आप उसको बोल सकते हैं वो समय काल आएगा। तो ये समय काल जो है जो आपने देखा कि कितने अब आधे घंटे तक छाया रहा या 1000 वर्ष का जो समय काल रहा है आधे घंटे का उस हिसाब से निकालें या किसी हिसाब से भी आप कोई भी समय काल निकाल सकते हैं, मगर समय क्या है कि स्वर्ग के अंदर शोक मनाया जा रहा है, पृथ्वी के विनाश का, पृथ्वी के लोगों के विनाश का जो है वो शोक मनाया जा रहा है, इस बात को प्रकट कर। ये ध्यान रखिए समय चाहे कितना भी रहे, मैं इस पे कोई बहस नहीं करना चाहता और इस पे बहस होनी भी नहीं चाहिए, बात सिर्फ इतनी समझ में आना चाहिए कि स्वर्ग के अंदर सन्नाटा जो है, खामोशी जो है वो छा गई है हमारे और आपके यानी इस पृथ्वी के लोगों के लिए, क्योंकि वो विनाश होने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है। ये उनकी बात है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। फिर जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे ना कि 7 स्वर्गदूत जो हैं, ये 7 स्वर्गदूत योना स्वर्ग में जो है वो 7 स्वर्गदूतों को देख रहा है और 7ों स्वर्गदूतों के हाथ में एक एक तुर्री है। अब एक एक तुर्री है, हर एक स्वर्गदूत जब एक तुर्री फूकेगा तो इस पृथ्वी पर एक मुसीबत, एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी विपत्ति जो है वो प्रकट होगी, वो मनुष्यों पर आएगी और मनुष्य उस विपत्ति से घिर जाएंगे।
ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है वो कह रहा है, और इसका जब आप दूसरा पद पढ़ेंगे ना, प्रकाशित वाक्य 8 का दूसरा, कि 7 सर्वदूत हैं और 7 सर्वदूतों को उसने देखा और 7 तुरही लिए हुए हैं। 7 सर्वदूत जो है तुरही फेंकेंगे, इसके विषय में अलग अलग जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या है। मगर 3 और 4 पद में क्या लिखा हुआ है कि वो वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया और सब पवित्र लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो जो है इसके अंदर है। जब आप निर्गमन की पुस्तक 30:1-30 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है जब पवित्र स्थान बनाया गया था, तो पवित्र स्थान बनाया गया तो वहां पर जो है जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच वाला जो पर्दा, वहां पर धूप बत्ती जो है वो रखी जाती थी और वहां पर 24 घंटे धूप जलाया जाता था। वो धूप इस बात को प्रकट करता है कि जो कोई भी जो प्रार्थनाएं करता है अपनी, वो प्रार्थनाएं जो है वो सर्वदूत जो है वो परमेश्वर के पास पहुंचाता है हमारी प्रार्थनाएं जो है। और यहां पर जो है, यहां पर सर्वदूत कौन सी वेदी के पास खड़ा है? स्वर्गीय वेदी के पास खड़ा हुआ है। मगर यहां पर एक ध्यान देने की बात है, अब वो बीच में पर्दा नहीं रहा, इसलिए डायरेक्टली परमेश्वर जो है उन प्रार्थनाओं को देख रहा है, सुन रहा है और उसका जवाब वो देता है। वो यहां पर जो धूप बत्ती दिखाई गई है वो इसलिए है, और यहां परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना है वो स्वर्गदूतों के द्वारा जो है परमेश्वर के पास पहुंचा दी जाती है। यहां लिखा है योना क्या कहता है, योना 2:7 पर जवाब पढ़ेंगे, जब मैं मुरझा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। देखिए अब यहां योना नबी जब मछली के पेट में है, जब वो परमेश्वर से भाग रहा है और परमेश्वर ने उसे कैसे डाल दिया, एक बड़े मछली के पेट में उसको डाल दिया, वो वहां से प्रार्थना कर रहा है, वो क्या कह रहा है? देखिए वो स्पष्ट तरीके से योना नबी इस बात को जानता है कि मेरी जो प्रार्थना है, जो स्वर्ग के अंदर मंदिर है, मेरी प्रार्थना उस मंदिर में पहुंच गई, यानी परमेश्वर के पास पहुंच गई, उस मंदिर में पहुंच गई है। तो ये जो मंदिर है जहां पर ये स्वर्गदूत आप दिखाई दे रहे हैं धूप वेदी पर है, ये प्रार्थनाओं को का वो स्थान है जिससे हमारी प्रार्थनाएं वहां पहुंचती हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। मगर इससे पहले हमारी प्रार्थना जो है, वहां लिखा ना ये प्रार्थनाएं किसकी हैं, ये प्रार्थनाएं किसकी हैं, इस बात को समझिए, ये प्रार्थनाएं किसकी हैं, ये प्रार्थनाएं पवित्र लोगों की हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला पत्रस 1:16 पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यदि हम चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं उस स्वर्गीय मंदिर में पहुंचे, वो पवित्र है और परमेश्वर पवित्र है, तो हमें पवित्र होना पड़ेगा है? और पवित्र होकर क्या है, हमें अपनी प्रार्थनाएं जो हैं वो वहां पर पहुंचानी है। और फिर क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं वहां पहुंचेंगी। फिर क्या लिखा है, 1 तीमुथियुस 2:8, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना क्या करे, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना क्या। आपने देखा होगा बहुत से लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मगर पवित्र हाथों को उठाकर करने का मतलब क्या है, हमारे हाथ अच्छे कामों में लगे होने चाहिए, पवित्र कामों में लगे होने चाहिए, अपवित्र कामों में नहीं लगे होने चाहिए। क्योंकि इंसान काम किससे करता है, हाथों से करता है, तो हमारे हाथों के काम जो है वो पवित्र होने चाहिए। जब हमारे हाथों के काम पवित्र होंगे तो हमारे हाथ पवित्र होंगे, जब हमारे हाथ पवित्र होंगे, हम पवित्र होंगे, तो हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं, तब हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के उस स्वर्गीय मंदिर तक पहुंचेगी और परमेश्वर जो है वो हमें जो है हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर नहीं होगा तो ये सोचिए, हमारे हाथ के काम अगर पवित्र नहीं हुए तो हमारी प्रार्थना कितना भी आप हाथ उठा लीजिए। तीमुथियुस कहता है पहले हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। क्यों हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, इसका मेन कारण क्या है? देखिए यहां पर क्या लिखा है, यशायाह 59:1-2 पढ़ रहा हूं यहां पर, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वे सुन नहीं सकते। देखिए परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है वो बहरा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसका हाथ बहुत छोटा है वो कर नहीं सकता है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है।
सोचिए, जिसने समुन्द्र के दो भाग कर दिए हैं, जो यरदन नदी के जिसने दो भाग कर दिया, जिसने बड़े बड़े मेरिकल्स, बड़े बड़े अद्भुत काम इस दुनिया में प्रकट किए हैं और वो इतिहास बने हुए हैं और आज भी दिखाई देते हैं, वो परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता या हमारा उद्धार नहीं कर सकता? कर सकता, परंतु हमारे अपने काम हैं, हमारे अपने पाप हैं जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर देते हैं। और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं अपने पापों के कारण, तो वो सुनता नहीं है, उसका मुंह छिप जाता है, वो सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमने अपने आप को पवित्र नहीं किया है। हम अपने आप को पवित्र करें और फिर हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जो है वो सुन लेगा। और यहां पर जो है एक, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचे, तो पहले अपने आप को पवित्र करें, उसके बाद हमारी प्रार्थनाएं जो है स्वर्ग में उस वेदी पर पहुंचेंगी जो प्रकाशित वाक्य के अंदर है कि स्वर्गदूत ने बहुत धूप दिया गया, यानी वो प्रार्थनाएं जो है वो इकट्ठा की गई और परमेश्वर के पास पहुंचाई गई। उसमें मेरी और आपकी भी प्रार्थना हो सकती है, मेरी और आपकी प्रार्थना का भी उत्तर परमेश्वर देना चाहता है, मगर हमारी प्रार्थना पहुंचे तो वहां तक, और वहां तक पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी पर रहकर हमें अपने आप को पहले पवित्र बनाना है, उसके बाद प्रार्थना करनी है, फिर परमेश्वर की वेदी तक जब पहुंचेगी और फिर वहां वेदी से उठाकर वो स्वर्गदूत परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, परमेश्वर सुनेगा और उसको उत्तर देगा। आप देखिए करके ऐसा क्या परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर क्या कहता है, पांचवां पद जब आप इसका पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 8:5, वहां क्या लिखा है, तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो वेदी की जो आग है वो लेकर, यानी इसका मतलब क्या है, अनुग्रह का द्वार बंद हो चुका। आज जो बहुत से पास्टर, बहुत से प्रचारक जो ये प्रचार कर रहे हैं कि अनुग्रह का द्वार खुला है, अनुग्रह का द्वार खुला, परमेश्वर प्रेम है, अब ये प्रेम जो है वो परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, अब ये अनुग्रह का द्वार बंद हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बंद हुआ है तो जाने की खुला है या नहीं खुला है, और यदि खुला है तो आपके पास अभी भी मौका है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर नहीं खुला, कि अंत समय तक परमेश्वर बचाना चाहता है, तो बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है मैं मान लेता हूं कि चलिए ये अनुग्रह का द्वार नहीं बंद हुआ, नहीं बंद हुआ है तो फिर ये बचाने का समय है कि इससे पहले द्वार बंद हो जाए, इससे पहले प्रभु आए अपनी दुल्हन को ले जाए, हमें अपने आप को पवित्र बनाना है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वार के अंदर प्रवेश करें, फिर द्वार बंद हो जाए तो हम उसके अंदर होंगे। जैसे 10 कुआरियां थी, 5 कुआरियां अंदर चली गई जो बुद्धिमान थी, फिर द्वार बंद हो गया, उनके लिए कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई मुसीबत नहीं थी। परंतु जो द्वार के इस बाहर रही है, परेशानी और समस्या उनके लिए, उनके लिए द्वार बंद हो चुका था, वो अंदर नहीं जा सकती थी। अब जो विपत्ति, जो मुसीबत है, इनको सामना करना था, परंतु जो 5 बुद्धिमान थी अंदर, उनको किसी बात की कोई टेंशन, कोई दुख, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बाहर जो थी उनको है। इससे पहले कि हम वो विपत्तियां इस संसार में आए, हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें, अपना जीवन परमेश्वर को देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।